सर्किट जानते हो ना, फिर बताना पड़ेगा, देख लो। ओमिक सर्किट देखो, किसी भी सर्किट में, सर्किट क्या होता है, एक ऐसा क्लोज पथ जिसमें करंट फ्लो होता है उसी को कहते हो सर्किट। ऐसा क्लोज पथ जिसमें करंट फ्लो होता है उसी को कहते हो सर्किट। तो किसी सर्किट में जब करंट फ्लो होती है तो करंट ओमिक सर्किट के लिए क्या चाहिए कि जब किसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो वह करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, अप्लाइड पोटेंशियल, आई प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, अब आई प्रोपोर्शनल जब टू वी है तो जब इनके बीच ग्राफ ड्रा करोगे तो एक सीधे क्या मिलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो ये आई हो जाए और ये क्या हो जाए वी, तो यहां क्या मिलना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन। यानी यहां पे जो स्लोप बन रहा है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। यहां जो स्लोप बन रहा है वो कांस्टेंट हो, तो इसको कहते हैं ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट के लिए जो आपके एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल मैटर्स जो हो सकते हैं इसके, जैसे मेटालिक वायर और क्या हो सकता है, मेटालिक वायर और बताओ, कार्बन रेजिस्टेंस एग्जाम्पल ये जानना जरूरी है इसमें, कार्बन रेजिस्टेंस वायर ऑफ एलॉय। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, ओमिक सर्किट के, ये शो करते हैं ओमिक सर्किट को, ये शो करते हैं। लेकिन जब नॉन ओमिक सर्किट आप पढ़ते हो, नॉन ओमिक सर्किट तो उसमें यही कंडीशन होता है कि जब भी किसी सर्किट में, जब भी किसी क्लोज मतलब पथ में करंट फ्लो होता है तो ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी टू द पावर एन होता है, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू वन, ये चेंज होता रहता है। इसका मतलब है कि नॉन ओमिक सर्किट में ये कह सकते हो कि आई जो होता है इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वी, आई जो होता है क्या होता है वो प्रोपोर्शनल वी के नहीं होता है, किसमें, नॉन ओमिक सर्किट में आई जो होता है वो वी के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखो, जैसे टॉर्च, क्या ले लो, टॉर्च में अगर आप ग्राफ बनाओ टॉर्च के लिए, सबके लिए अलग अलग ग्राफ भी जानना जरूरी है। टॉर्च ये मान लो आई हो गया और ए, तो टॉर्च के लिए जब ग्राफ खींचोगे तो ऐसे बनेगा, कौन टॉर्च, टॉर्च बैटरी वाला टॉर्च, टॉर्च बोल रहा हूं, टॉर्च थोड़ा बोला हूं, टॉर्च। ठीक है, टॉर्च के लिए हो गया। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिस भी तुम्हारा क्या है, नॉन ओमिक सर्किट होता है, तो उसका जो बनता है आपका ये ऐसे बनता है, ये आपका हो गया आई और वी, इसको ऐसे बनाते हैं, ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट, ये भी आपका नॉन ओमिक का है, ये क्या हो गया टॉर्च हो गया। ठीक, ये सब जितने भी ये नॉन ओमिक, देखो ये ओमिक है डायरेक्टली, यहाँ पे थीटा नहीं चेंज हो रहा, लेकिन यहाँ पे देखो हर जगह चेंज हो रहा है, यानी आई प्रोपोर्शनल वी टू द पावर एन हो सकता है, यानी इक्वल टू जब वन नहीं है तो ये चेंज होता रहेगा, इसका मतलब डायरेक्टली नहीं है। ठीक, जंक्शन डायोड क्या होता है जी, वो भी नॉन ओमिक होता है, क्या होता है जंक्शन डायोड, उसका भी बना लो जंक्शन डायोड, आई भी जंक्शन डायोड का ऐसे बनता है जंक्शन, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों सब देखी है, जंक्शन डायोड, आई और बी, ये क्या है टी एच ई आर एम आई थर्मी ओनिक वाल, ये सब अनओमिक सर्किट के एग्जांपल, ये जानना है, इसमें मेन चीज यही है, बाकी आपका इसका एग्जांपल है, बाकी तो सब जान ही रहे, ओम का नियम का पालन करेगा तो ओमी, या नहीं पालन करेगा तो अनओमी।
ये लिखे हो गए क्या है, देखो यहाँ पे अनोमिक सर्किट में क्या हो रहा है, चेंज हो रही चीजें। तो अगर मान लो कि किसी ए आई हो गया और ये क्या हो गया भी, ठीक, पोटेंशियल में थोड़ा सा भी चेंजिंग करो, अगर मान लो ये चीज ऐसे है, थोड़ा सा गड़बड़ बना दिए, ठीक है, ये अनोमिक सर्किट दिख रहा है ना आई और भी, इसका मतलब पोटेंशियल में थोड़ा सा चेंजिंग करोगे तो करंट में भी थोड़ा चेंजिंग होगी। तो आपने चलो यहां से बताएंगे डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कि जब आप पोटेंशियल चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, यानी इसमें जो वहां भी प्रोपोर्शनल टू आई माने थे कि यानी वहां पे कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, क्या कांस्टेंट है चेंज, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है पोटेंशियल के साथ। जैसे मान लो ये कितना था 20 वोल्ट, ये कितना था 30 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट पर करंट कितना है 10 एम्पीयर, और 30 वोल्ट जैसे कि उसे करंट हो गया 20, इसका मतलब है कि क्या होगा चेंज होगा। तो यहाँ पे जो डायनामिक रेजिस्टेंस होती है इसी कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे स्मॉल आर से, और इसकी वैल्यू क्या होती है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। अब इसमें अगर डायनामिक रेजिस्टेंस अगर निकालते हो आर इक्वल टू क्या लिखोगे 30-20 अपॉन 20-10 इक्वल टू 1 ओम, ये है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लिख देते हैं। लिखो फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्वेश्चन बताओ इसमें तुम लोग, अगर मान लो कि आई है और ये क्या है भी है, टेट्रोइड होता है, अनोमी सर्किट है, डायनामिक सर्किट है, अनोमी सर्किट है, और इसमें बताना है कि कौन सा पार्ट इसमें ए बी फर्स्ट कौन सा डायनामिक रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, ए ए बी बी सी सी डी नॉन ऑफ दिस, कौन सा शो कर रहा है ए बी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ तुम लोग, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा हेडिंग लिखो तुम लोग, और तुम लोग लिखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बताओ क्या होता है, बताओ जी कृष्णमोहन, बताओ भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, क्लास टेंथ से पढ़ते आ रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मेजर किससे करते हो, वर्क डन से, सब गधे हो, थोड़ा वो दिमाग लगाते हैं। अगर मान लो एक कंडक्टर ले लिए, कंडक्टर ले लिए, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए, करंट इसमें फ्लो होने लगा, वोल्टेज भी है, इलेक्ट्रॉन इधर लगा चलने, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से वीडी से डिड वेलोसिटी से, तो अब यहां बताओ चार्ज को वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ले जा रहे हो कि नहीं ले जा रहे हो, इसको इसमें जो करंट फ्लो हो रहा क्या हो गया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या चार्ज जो फ्लो हो रहा क्यू की वैल्यू क्या होगी बताओ आई इंटू होगा ना, तो चार्ज जो फ्लो हो रहा है, फ्लो का मतलब वन पॉइंट से अदर पॉइंट, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है ना, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ तो वर्क होगा ना, अबे कह दो वही वर्क एनर्जी कहलाता है, वही वर्क एनर्जी कहलाता है, यानी भी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ भी इंटू क्यू, अरे भाई भी वोल्टेज लगाने से क्यू चार्ज 1.2 अदर पॉइंट हो गया, तो उस पॉइंट को ले जाने में यानी उस चार्ज को 1.2 अदर पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया वर्क होता है वही एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, वर्क ही एनर्जी है, कहीं पे भी अदभाव कोई भी अगर किसी एनर्जी मेजर करना क्या मेजर करते हो, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, वर्क चाहे पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, चाहे वेव्स में कोई एनर्जी निकालना हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक में कोई एनर्जी निकाले हो, क्या निकाले हो अब तक, वर्क ही तो वर्क ही इसमें है, अब वर्क इसमें क्या होना है चार्ज को 1.2
अदर पॉइंट ले जाएगा, तो v इक्वल टू w इक्वल टू v इनटू q, ये आपका मेन फार्मूला हुआ और यही w क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब v इक्वल टू q इक्वल टू क्या लिखे हो बताओ, i इनटू t, तो यहां पर रखोगे क्या हो जाएगा, वी आई टी, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। वी इक्वल टू क्या होता है बताओ, आई आर, तो फिर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपान आर, ये वैल्यू यहां रख, अच्छा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर आर टी अपान आर स्क्वायर कर दें, सब एक आर से एक आर कटेगा, कैसे हो जा गया, हम जान रहे थे लेकिन तुम लोग को वजह, हमें लगा कि भैया हो सकता है आइंस्टीन के नाना होने हो गया हो, तुम लिखो गदा आ गए सब भूल जा रहे तुम लोग। वी नो दैट, वी नो दैट, ये सब किस में है, सब जूल में है, किस में है, जूल में। तो आप जानते हो एक कैलोरी, एक कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो वन जूल इक्वल टू, हाँ तो इसलिए Q इक्वल टू, इसको लिखो Q, Q मतलब कैलोरी हीट वाला हो गया, W अपन क्या लिखोगे 4.2, कैलोरी सब हो गया ना, अब सब कैलोरी हो गया, इसलिए W की जगह सब वैल्यू रखते जाओ, V इंटू क्यू अपान 4.2 इक्वल टू वी आई टी अपान 4.2 आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपान 4.2 आर, लिख लो। ये वायरल फ्लू का इतना खतरनाक खतरनाक वो लगा रहे हैं सब स्टेटस आँख का, देख लो तो गई लो बेटा हमें कहें कि इफ W इज द लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन टी टाइम इन सर्किट, इन सर्किट कैलकुलेट द पावर, पी इक्वल टू क्या होगा बताओ, डब्ल्यू अपान टी, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी, जबकि इसके पहले डब्ल्यू की वैल्यू सब निकाले हो, क्या निकाले हो, भी इंटू क्यू अपान टी, अब क्यू अपान टी को क्या लिख सकते हो बोलो, भी इंटू आई, पी इक्वल टू भी इंटू आई, भी इक्वल टू क्या लिखोगे, आई इंटू आर, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, आई स्क्वायर आर, आई की जगह भी अपान आर रखोगे तो क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू भी स्क्वायर अपान आर, और भी कुछ बनेगा देखो बताओ क्या बनेगा, एक आदमी बना के दिखा दो, बहुत बने, बहुत नौ बनाओ, एक बनाओ, बनाओ एक बनाओ जी, हाँ कोई एक बनाओ, पावर बनाओ, पावर यूनिट क्या होगा जी इसका बोलो, यूनिट जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को क्या कहोगे, वाट, वन के डब्ल्यू इक्वल टू
1000 वाट।